के बढ़िया बढ़िया होटलों में भी इस तरह का व्यवस्था नहीं है जो कि इस बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा में। ये देखिए क्या यहाँ पर हजारों की संख्या, पटना का सबसे बड़ा किचन बाल लीला में रहेगा। संगत सिख श्रद्धालु लोग आए और बड़ा बड़ा हांडा में जब देखिएगा तो ये देखिएगा क्या है बाबा जी, ये पालक पनीर बाबा जी। अच्छा, पैसा लेके कर रहे हैं, शुरू हो गई आना प्लेनों से और ट्रेनों से और सरकारें। आपकी नजर जहां तक जा रही है वहां पर देखिएगा सिर्फ संगत ही संगत। सुबह में भी जलेबी या समोसा, ये रात के लिए सुबह के लिए होर तैयार हो। नमस्कार, सत श्री अकाल, SSI2 में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली का वो स्थान बाल लीला मैनी गुरुद्वारा, यहाँ जब देखिएगा तो ये महिलाएं लोग हैं खास करके यहाँ पर सेवा देने के लिए। वैसे भी जब बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा में आप आइएगा कि तरह तरह के लंगर का जो पकवान जो है, आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस तरह का जो 5-स्टार होटलों में जो व्यंजनें रहती हैं उससे भी बेहतर व्यंजनों का निर्माण कराया जा रहा है यहाँ पर। तमाम और विभिन्न जिलों से सिख संगत लोग आए हैं, अपने अपने रूप से सेवा देने के लिए आई है। बोले सो निहाल, एक ही आवाज है, सत श्री अकाल, चाहे वो वाहेगुरु जी का खालसा हो या वाहेगुरु जी के फतेह। ये तमाम लोग आई हैं, दूर दराज से आई हैं, खास करके प्रकाश पर्व पे। आपकी नजर जहां तक जा रही है वहां पर देखिएगा सिर्फ संगत ही संगत। स्वेच्छा मन से अपने अपने लोग अपने अपने ढंग से लोग कार्य कर रही है। सुबह के नाश्ता के लिए ये भी चीज को ख्याल रखा गया है, सुबह के नाश्ते के लिए तैयार हो रहा है समोसा, गर्मा गर्म समोसा ताजा, और वो भी शुद्ध घी से। ये क्या है, पनीर पकौड़े। वाह क्या बात है, पनीर पकौड़े का भी निर्माण कराया जा रहा है। एक ही गूंज है, बोले सोनिया, बोले सोनिया। क्या बात है, जलेबी, ये देखिए जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी। तमाम जो भी देश दुनिया के जो सिख संगत आते हैं उनके लिए सुबह के लिए नाश्ता का तैयार करने के लिए अभी से लग गए हैं। ये सुबह के लिए है? हाँ सुबह के लिए, कल सुबह के लिए जलेबी। हाँ, रात को भी जलेबी खिलाया जाएगा प्रसाद के साथ में। अच्छा, सुबह में भी जलेबी या समोसा। ये रात के लिए, सुबह के लिए होर तैयार होगा। हाँ जी, और ये देखिए यहाँ पर गुलाब जामुन है। यू कह सकते हैं कि बढ़िया बढ़िया होटलों में भी इस तरह का व्यवस्था नहीं है जो कि इस बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा में। ये देखिए क्या यहाँ पर हजारों की संख्या में गुलाब जामुन का निर्माण कराया गया है ताकि जो सिख संगत जो हैं उनके लिए परोसा जाएगा। जैसे जैसे दिन पास में आते जाते हैं मिठाइयाँ और जो पदार्थ हैं वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जैसे आज जलेब चल रहे हैं, कल जैसे दिन दिन बढ़ते जाएंगे संगत की आमद बढ़ती जाएगी। अभी हजारों में है, बाद में लाखों में चले जाएंगी। और तंदूर की रोटी, 3-4 तरह की तंदूर की रोटी रहती है, हाथ का प्रसादा रहता है, मशीन की रोटी रहती है, तो 3 तरह की सब्जी रहती है और चावल रहते हैं। प्रतिदिन जो है जो लंगर जो है वो अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं। बिल्कुल, जैसे सुबह 3-4 तरह के पकौड़े रहेंगे, फिर मीठा रहेगा, और हर प्रतिदिन जो वैरायटी है वो बढ़ती जाएंगी और मीठे बढ़ते जाएंगे, और जिससे संगत आए अपना, जो जितनी भी संगत आती है यहाँ खुश होती है सेवा करने के लिए। यहाँ लोकल संगत भी बहुत अपना योगदान देती है, क्योंकि गुरु महाराज के प्रकाश में जो जो लोग अपनी मन्नत मांगते हैं वो यहाँ अपनी हाजिरी भरने के लिए आते हैं। यहाँ के लोकल लोग भी काफ़ी आते हैं, जैसे देशों की संगत आती है तो लोकल लोग भी जो हैं वो भी यहाँ आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी खुशी लेने के लिए। और गुरुद्वारा बाल लीला में तो आपको नज़ारा अलग है, पटना का सबसे बड़ा किचन बाल लीला में रहेगा। शुरू हो गई आना प्लेनों से और ट्रेनों से, और सरकारें और बाबा बूरीवाला उनकी पूरी वस्ता देखते हैं। यहाँ बाबा कश्मीरा सिंह जी बूरीवाले, बाबा सुखविंदर सिंह जी और बाबा गुरविंदर सिंह जी, बिल्कुल जितने भी यहाँ जहाँ हमारे लंगर चल रहे वहाँ पूरी चीज़ों का वो निरीक्षण उन्होंने किया है, और यहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उनको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है।
तो यहाँ पर जब देखिएगा तो तमाम तरह के पकवान जो है लंगर का है और काफ़ी लोग लगे हुए हैं जी हाँ, ताकि जो भी सिख संगत सिख श्रद्धालु लोग आए। और बड़े बड़े हांडा में जब देखिएगा तो ये देखिएगा क्या है बाबा जी, ये पालक पनीर बाबा जी। अच्छा अच्छा, ये देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ बड़ा बड़ा हांडा में और ये निर्माण कराया जा रहा है, एक उत्साहित माहौल है। और जब देखिएगा तो प्रकाश पर्व में तो तरह तरह के यहाँ पर लंगर का निर्माण कराया जा रहा है, चाहे वो मिठाई हो चाहे वो पनीर की सब्जी है। हाँ बाबा जी, ये क्या है? ये है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा जी हाँ, देखिए ये गाजर का हलवा प्रसाद निर्माण का तो मैं तमाम तरह से मैं आपको दिखला दिया हूँ, कौन कौन चीज़ें जो प्रसाद का जो निर्माण कराया गया है वो चीज़ यहाँ पर है। जब देखिएगा तो तमाम तरह की यहाँ पर जो है जो भी प्रसाद है यहाँ पर तैयार है। ये पुलाव है, दाल कढ़ी, हाँ ये कढ़ी, हाँ बाबा जी कोफ्ता पनीर है जी हाँ, कोफ्ता पनीर है, ये देखिए कोफ्ता पनीर है, ये दाल है, ये दाल है। आइए मिठाई में मैं आपको दिखलाता हूँ, ये देखिए जलेबी, जलेबी तैयार है सिख संगतों के लिए। और यहाँ देखिए तंदूरी रोटी, जी हाँ तंदूरी रोटी, ये जलेबी है। और सबसे खास बात और सबसे खास चीज जो ध्यान में देने वाली है वो चीज है कि जो भी संगत अगर वो जा रहे हैं या जा रही हैं उनके लिए विशेष रूप से पैकिंग की सुविधा किया गया है। माता जी नूं छे नंबर पंगत विच आण के मिल गज्जन सिंह शाहजहां फोटो संगत गेरी आई है। चलिए ये लंगर का दृश्य है, लोग लंगर छक रहे हैं यहाँ पे, ये देखिएगा तो तमाम कतारें हैं, चाहे वो मिष्ठान हो, तमाम तरह की वैरायटी है, ये प्रसाद के तौर पर लोग ग्रहण कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। यहाँ पर लंगर को छकाया जा रहा है, लंगर छकने के बाद जूठन जो प्रसाद होता है यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के लोग हैं। यहाँ जब देखिएगा तो तमाम लोग लगे हुए हैं, ये देखिएगा पैसा लेके कर रहे हैं? नहीं सर, फ्री में, फ्री सेवा करने के लिए आए हैं यहाँ, गुरु जी के लिए सेवा कर रहे हैं ना? हाँ जी हाँ, सेवा कर रहे हैं। हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है, हम पंजाब से आए, पटियाला जिले पंजाब से आए हैं, इस स्थान पर जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह महाराज के जन्मस्थली है यहाँ पर जब देखिएगा तो तमाम लोग है, ये लोग इससे उत्साहित रूप से आप ये जान सकते हैं कि बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपने अपने कर रहे हैं। यहाँ जब देखिएगा सत श्री अकाल, यहाँ सेवा करते कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बाबा की कृपा बहुत ज्यादा। हाँ जी सेवा चल रही है गुरु की, गुरु गोविंद सिंह कन्हैया वाले पातशाह जी बाबे नाम, गुरु के नगरी में आकर सेवा करने के लिए अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। बोले सोने वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। SSI2 आप देखते रहिए, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।